पीटीआई को बतौर वजीर आजम 108 तहाइफ मिले जिनमें से 58 तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं एबीएन न्यूज के नुमाइंदे जमान मुगल से। जी जमान मुगल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई को नायब रावलपिंडी ने 21 जून को दोबारा तलब किया है और चेयरमैन पीटीआई इससे पहले दो बार जो है वो नायब रावलपिंडी के दफ्तर पेश हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई को नायब की तरफ से सवालनामा दिया गया था जिसके उन्होंने जवाब दिए थे, जबकि दूसरी बार जब वो आए थे उनको मजीद सवाल दिए गए थे और कई घंटे जो है उनसे पूछ पूछ का अमल जारी रहा था। अब तीसरी बार जो है वो चेयरमैन पीटीआई को नैब ने तलब किया है और साथ हदायत की है कि मुतलका दस्तावेजात जो है वो साथ लेके आए। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से नैब का कहना है कि उनको जब वो वजीर आजम थे तो 108 तहाइफ मिले थे और उन तहाइफ के हवाले से जो रिकॉर्ड है और जो तफसीलात हैं वो भी साथ लाई जाएंगी। नैब ने तीसरी मरतबा चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया।